इससे लंबे लंबे को दौड़ाया हूँ मैं, कुत्ता बना के मारा हूँ। देखिए सब सब लोग वही चीज कर रहे हैं और मैं भी वही चीज कर रहा हूँ। दोस्तों क्या हाल ही में अजाज खान एक्सपोज हो गए हैं इस तरह का वीडियो डालने के बाद? बेसिकली मैंने आपको इस वीडियो में कवर किया था कि अजाज खान ने रील डालकर ये शेयर किया था कि अल्पेश यादव और अजय दलाल सॉरी बोल चुके हैं उनसे, पर अजय दलाल ने क्लियर किया कि वो सॉरी नहीं बोले हैं। तो हाल ही में जब उनसे टैली मसाला इंटरव्यू में इस बारे में पूछा गया तो अजाज खान कहे कि इन लोगों ने मुझसे सॉरी मांग ली है, अब जब ये सामने आएंगे तो पब्लिकली भी इन्हें सॉरी बुलवाऊंगा। तो इनसे रिपोर्टर पूछी कि इन्होंने आपसे किस मोड में सॉरी बोली है, मतलब कि किस तरह वॉइस नोट मैसेज या कॉल किस तरह सॉरी मांगी है। तो अजाज खान कहे वॉइस नोट इनका मैं सुना नहीं सकता आपको, किसी ने कोई वादा किया है। एंड अजय दलाल के लिए कहे कि दलाल को तो मैं कहीं गिनता नहीं हूँ, वो तो कब से फोन करके भीख मांग रहा है, अजाज भाई आप मेरे बड़े भाई हो। तो ये चीज सेम थकेश के साथ भी हुआ था कुछ टाइम पहले। तो थकेश इस चीज को लेकर कुछ एक है भाई, ये एजाज खान को क्या ऑब्सेशन है सॉरी से, ये जबरदस्ती लोगों को पकड़ के सॉरी बुलवाता है और अगर जिसे सॉरी नहीं बोला झूठा आके बोल देता है कि मेरे को सॉरी बोला। अजय दलाल ने तो माफी मांग ली है, उसने भी सॉरी बोला है, बोले एजाज भाई तुम मेरे बड़े भाई हो, और एल्विस यादव ने भी माफी मांगी है माशाल्लाह। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ये अभी से नहीं चल रहा, इसका 2020 से चल रहा है, पहली बार मेरे बारे में बोला था सबसे पहला 2020 में। थकेश के लिए था जो रमजान के बारे में गलत बोला था, उसने सॉरी का वीडियो डाल दिया भाई, जबकि किसी ने इसको सॉरी कभी नहीं बोली। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में एल्विस यादव का काशी टेम्पल से एक फोटो काफी वायरल हो रहा है, उसकी वजह से उन पर विरोध होने लगा और एक एडवोकेट ने उन पर केस फाइल कर दिया। तो ये चीज के पीछे का पूरा किस्सा एल्विस यादव ने अपने चैनल पर शेयर किया, जहां वो कुछ ये बताए। गए थे अपने घर पे, घर आके देखा कि कोई एक वकील भाई साहब है, हमारे नाम प्रतीक, प्रतीक पता नहीं जो भी है, उन्होंने वीडियो बना रखी, अपराधी एल्विस यादव आ गया यहाँ पे वो। एक तो इन्हें ये नहीं पता वकील साहब को कि एक्यूज्ड और जिस एक्यूज्ड और गिल्टी में फर्क क्या होता है, पता नहीं कौन सी किताबें पढ़ी। इट्स ओके भाई, वो नन ऑफ माय बिजनेस, ना मैं उनको कोई पर्सनली जानता, ना मेरी कोई पर्सनली हेट है कि मैं किसी वकील को गलत बोलूँ। वकील मेरे बहुत सारे दोस्त वकील हैं भाई, सबकी बहुत इज्जत करता हूँ मैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब अपने खारे कमा रहे हैं, बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है वकील होना। उन भाई ने मेरे को बोल रखा है इस पे इतने मुकदमे दर्ज है, इसने ये कर रखा है, वो कर रखा है, मंदिर में इसकी एंट्री कैसे हो गई, मंदिर में इसने फोटो कैसे खिंचा ली, जिसके ऊपर उन्होंने कंप्लेन डाली सीपी ऑफिस आई गेस। तो मंदिर प्रशासन जो है उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे एल्विस यादव की फोटो खींची गई है वो हमारे द्वारा खींची गई है और वो रेड जोन नहीं है, वो नियंत्रित एरिया है जहाँ पे आप फोटो क्लिक करवा सकते हो मंदिर के थ्रू, वहाँ पे फोन अलाउड नहीं है। और अभी अभी मेरे सामने एक फोटो आई जिसमें वकील साहब ने खुद वहाँ पे फोटो खिंचवा रखी है। ये मतलब कितनी, मतलब ये कैसी बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि खुद करो सब लोग करें तो सही, एल्विस यादव वो चीज करे तो गलत, मतलब कि मैं कोई बाहर का हूँ या फिर ये सीन समझ नहीं आ रहा मुझे कि सब लोग वही चीज़ कर रहे हैं और मैं भी वही चीज़ कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो खुद से करना भी नहीं चाह रहा था, और एल्विस यादव गलत है। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में अदनान है कि वो बहुत जल्द एल्विस यादव को जवाब देने वाला है। तो रिसेंटली उन्होंने एल्विस यादव को जवाब दिया और हाल ही अदनान शेख चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जहाँ वो एल्विस यादव को लेकर कुछ ये कहे, आप देखिए। कब बनाया लास्ट वीडियो, इससे पहले चूड़ी पहनाया था, वो टाइम पे भी कुछ रिएक्ट नहीं किया था आने के बाद, आने के बाद काफी टाइम तक नहीं किया था, एक साल बराबर एक साल बाद हम रिएक्ट कर रहे जब मैं शो में गया था, तो उसको मालूम है ना हाइप बड़ी है, समझ गया है, हाइप नहीं पाइप मिलेगा तुम गुरु को। नशे में हो गए तभी भूल जाता है, याददाश्त कमजोर है उसकी, शायद पकड़ लियो पकड़ लियो, तो याद आए पकड़ लियो ध्रुव राठे की वीडियो पकड़ लिया, बहुत पकड़ते रहे दोनों, तुमको पकड़ने का बहुत शौक है। तो अदनान पहली बार तो यूं देखो मुंडी नीचे करके देखना पड़ेगा तुम्हारा हिस्सा बेटा, और हाइट हाइट वाइट कुछ मैटर नहीं करती, इससे लंबे लंबे को दौड़ाया हूँ मैं, कुत्ता बना के मारा हूँ, बाकी इसको नहीं मारा, ये तो खुद ही बोला था ना बॉडी वॉडी मैटर नहीं करती है, तो हाइट कहाँ से मैटर करने लगी। फिर बैठ के बात करना बहुत ही इजी होता है, और एक पतले दुबले को एक कमजोर से तूने यूट्यूबर को मारा था जाके झुंड में, बहुत बार झुंड में ही मारा है इसने, मैंने कभी तेरे को अकेले भिड़ते हुए नहीं देखा, और सुअर की तरह झुंड में जाके एक को मारना समझ रहा है ये एक अलग चीज होती है। तो इस चीज पर अनुराग का भी रिप्लाई आया है जो इंस्टाग्राम पर कुछ ये कहे, एल्विस को इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, आप देखिए। मैं तो कहता हूँ एल्विस खुद पागलपना कर रहा है, इससे उलझना ही नहीं चाहिए, कहाँ वो छपरी फेक फॉलोवर लेके बैठा, एंगेजमेंट है नहीं प्रोफाइल पे, कुछ नहीं है, कहाँ एल्विस, वो BBOTT का विनर बन चुका है, ये भाई साहब 4-5 दिन वापस आ गए जाके बातें बड़ी बड़ी पेल के, कोई कंपटीशन ही नहीं है,
यूट्यूब पर उसके सब्सक्राइबर ज्यादा, इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोअर ज्यादा, एंगेजमेंट उससे 1000 गुना ज्यादा। तो इस एल्विस को यार मैं समझाता हूँ, उसको बोलता हूँ भाई बंद कर इससे बात, इसको देखना ही बंद कर भाई। एक लेवल पर आके ना झगड़ा, बहस, कंट्रोवर्सी, ऑनलाइन लफड़ा, ई लफड़ा, ये सब उनसे भी उनसे करते जो आपके मुकाबले के हों, जिनसे आपका कोई मुकाबला ही नहीं, उनके हाथी चींटी से क्या बहस करे, मतलब हद। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में मुनावर स्पेसएक्स पर लाइव आए थे, जो कहे कि लव कटारिया का नाम एल्विश की वजह से था, अब वो कहीं ना कहीं हट रहा है। जहां लव कटारिया अब खुद की पहचान बना रहा है बिग बॉस में, आप भी सुनिए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। नहीं भाई, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि देखो, ऑफ कोर्स देखो, इफ ही इज डूइंग गुड, कटारिया अगर अच्छा कर रहा है तो भाई क्यों ना जीते, उसकी बढ़िया फैन फॉलोइंग है और उसकी भी तो हो गई ना बिग बॉस जाने के बाद 4-5 लाख जो फॉलोअर बढ़े, वो तो एल्विश की वजह से नहीं बढ़े ना, वो तो कटारिया की वजह से ही बढ़े। बिग बॉस से पहले भले लोग बोलते हो कि एल्विश की फैन फॉलोइंग है, एल्विश की फैन फॉलोइंग है, बट वो जब बिग बॉस में गया उसके बाद भी तो उसके शायद 4-5 लाख फॉलोअर अगर बढ़े इंस्टाग्राम पे, तो वो तो उसके हिसाब से बढ़े ना, वरना 4-5 लाख थोड़ी ना बढ़ जाते एक महीने में। 4-5 मिलियन बढ़ गए थे आपके तो। अरे नहीं भाई, उसके मतलब कटारिया के जो इल्जाम उस पे लगाया जाता है कि भाई तेरे को कोई नहीं जानता, एल्विश की वजह से जानते है, तो अब तो उसको उसकी वजह से जानते ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो अच्छा कर रहा है तो ऑफकोर्स वो उसको सपोर्ट करेंगे, बट तुम्हें ऐसे क्या लग रहा है जेन्यूनली, मतलब तुम बताओ अपना एक न्यूट्रल, कि तुम अगर एल्विश भाई के फैन नहीं होते तो तुमको कटारिया अभी जैसे खेल रहा है वैसा पसंद आता, वो पूछ रहा हूँ भाई। बिल्कुल पसंद आता, मतलब बढ़िया कर रहा है, टास्क में सबसे आगे है और बाकी बिल्कुल बोलने में कमी नहीं छोड़ रहा और बाकी हाँ, बिल्कुल ठीक कर रहा है भाई। एक्टिव तो न्यूट्रल, एक्टिव बिग बॉस के घर में एक्टिव रहना जरूरी है, एक्टिव भी और न्यूट्रल ऑडियंस भी पसंद कर रही है भाई, कर रही है ना। हाँ बस तो वही मैंने बोला ना भाई कि अभी उसके 4-5 लाख बढ़े अगर। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में दीपक चौरसिया बिग बॉस के घर के बाहर आए, तो उन्होंने हाल ही में विशाल पांडे को सपोर्ट किया और कुछ ये कहा इंस्टाग्राम स्टोरी पर, आप देखिए। मुझसे बिग बॉस के घर में दूसरे दिन पूछा गया था कि आपके हिसाब से बिग बॉस के विजेता होने के चांसेस किसके सबसे ज्यादा हैं, और मैंने उस दिन नाम लिया था विशाल पांडे का। आज भी यही कह रहा हूँ, वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, विशाल रेस में लगा है और उसे बाहर नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।